हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टिपर में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले एचयूएल स्टॉक्स के बारे में। यहाँ पे देखिए एचयूएल स्टॉक राइट नाउ 2500 पे ट्रेड करती हुई दिख रही है। ओपन हुई थी आज 2511 और हाई गई है 2514 की, लो जाते हुए गई है 2493 पे, लो जाते हुए दिख रही है। बट आज इसकी वीडियो क्यों बना रहे हैं? तो जैसा आप लोग को पता है कि मैं रेगुलर वीडियो की अपडेट देते रहता हूँ, सॉरी रेगुलर शेयर्स की अपडेट देते रहता हूँ, तो यहाँ पे एचयूएल में कुछ गजब का तेजी देखने का चांसेस बन रहा है, या मे बी डाउनफॉल, या तो ब्रेकआउट देखने को मिलेगी या तो ब्रेकडाउन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आ जाते हैं, बात करते हैं ब्रेकडाउन के ऊपर, क्योंकि अभी शेयर्स कुछ उसी सिचुएशन पे आ चुकी है। 2501 पे शेयर जो ट्रेड कर रही है अभी के टाइम में, देख सकते हैं कैसा फ्लो है। यहाँ पे जो मैंने आपको इससे पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था 2500 का, तो वहां पे ये सपोर्ट ब्रेक होते हुए आज के दिन देखी। अब बात ये करता है कि ब्रेक होते हुए तो ऑफ कोर्स देगी, बट ये आगे की ओर ब्रेक, मतलब सही में ब्रेक होगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पॉइंट और डाउन आता है फिर उसके बाद तेजी बनने का चांसेस बन जाता है हमेशा। तो इसको अच्छे तरीके से समझते और एनालाइज करते और जानते हैं। बट अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने दूंगा, क्योंकि इसमें हम लोग आज सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, चाहे जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्हीं लोग के लिए ये वीडियो है। ऐसे लॉन्ग टर्म वालों के लिए सिर्फ इतना बता देना चाहूंगा कि ये शेयर्स आपको भागते हुए दिखेगी और इसमें इन्वेस्ट करना एक प्रॉफिटेबल काम हो सकता है। यहाँ पे देखिए तो शेयर्स यहाँ से तेजी बनाई थी पुराने टाइम से अगर बात करें तो, जस्ट वेट मैं इसको कट कर देता हूँ, मई से बात करें तो यहाँ से तेजी बनाई और अच्छी खासी ऊपर जाती हुई दिखी और वो 2600 2700 तक टच करते हुए दिख गई। बट उसके बाद कंसोलिडेट की, यहाँ पे एक अपर हाई वाला सिनेरियो क्रिएट कर दी थी, बस मैं इसको थोड़ा डाउन कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से सिनेरियो क्रिएट कर दी थी, बट यहाँ से एक डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था ये, बट यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट, बट ये था हमारे लिए एक फेक ब्रेकआउट, जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड करें उनके लिए बता रहा हूँ, ये यहाँ से फेक ब्रेकआउट था और फिर एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल गया। देखिए अभी इसमें चांस है, अपॉर्चुनिटी है पैसा लगाने का, आप लोग लगा लीजिए, एक अच्छा बेनिफिट बनते हुए दिख जाएगा। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते हुए दिखी, तो हम लोग को ऑल ओवर की अगर बात करें तो ऑल ओवर अगर हम लोग थोड़ा सा और अगर आप हिम्मत रख सकते हैं तो 2480 तक, उसके बाद मैं खुद नहीं बोलूंगा कि इसमें आपको रुकना चाहिए, बट अगर उधर से रिवर्सल दे देती है तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा, आराम से आप लोग बहुत अच्छे लेवल पे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज को आपको ध्यान देना है, ये सपोर्ट को ध्यान देना है। ऐसे तो मैं 2500 बोला ही था आपको, बट यहाँ पे वो भी ब्रेक करते हुए दिख गई, तो यहाँ पे हमें थोड़ा और ध्यान देना है कि 2488 इसकी अलग रेंज है, बट यहाँ पे 2480 तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर वहां पे ब्रेक होता है तब टेंशन की बात है, तब हमें निकलना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, मतलब सिंपल है, शेयर से हमें इस शेयर से अभी के लिए मूव ऑन करना पड़ेगा। बट यहाँ पे बाइंग अगर आप उठाते हैं तो अच्छी चांस रहेगी कि आपको एक प्रॉफिट गेन हो जाए, क्योंकि ये शेयर्स अगर हम मैं लॉन्ग टर्म में 1 ईयर तक का बात करूं तो देख सकते हैं 1 ईयर तक में, अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर आप लोग मूव कर रहे हैं तो देख सकते हैं ये शेयर आती है 2400 तक, बट उससे डाउन नहीं जाएगी। तो अब आपके ऊपर डिसीजन है कि आप लोग किस तरीके से मेंटेन करते हैं, क्योंकि 2400 ऐसे भी इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो ब्रेक होते हुए नहीं दिखेगी। यहाँ पे डाउनफॉल ऑफकोर्स हमें बहुत गंदे तरीके से यहाँ पे डाउनफॉल होते हुए दिखी, तो इसलिए आपने थंबनेल देगा 4% की डाउनफॉल, बट आपको ये चीज समझना है कि मार्केट में अभी कितनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी के टाइम में अगर हम लोग ट्रेड करें तो क्या क्या देखना है। यहाँ पे देख सकते हैं इतनी ऊपर से डायरेक्टली इतना अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल गया, तो आपको फ्यूचर में तो चांसेस है कि ये तेजी बनाएगी, 2700 तक भी जाने का चांसेस है। यहाँ पे होल्डिंग्स की बात करें तो होल्डिंग्स यहाँ पे जो जिनको होल्डिंग्स बनाने वो लगातार बना रहे, मैं एक ही चीज बोलूंगा, यहाँ पे आप होल्डिंग्स अगर नहीं बना सकते तो ठीक है कोई बात नहीं, बट अपने शेयर्स को निकालिएगा नहीं, अगर निकालते हैं भी तो इमरजेंसी केस हो तभी निकालिएगा, बट ऐसे अपने शेयर्स को मत निकालिए, जितना ज्यादा हो इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हैं आप। 53.27% की होल्डिंग्स बनते हुए दिखी है और बहुत ही अच्छी खासी होल्डिंग्स है। दैट्स ऑल, यही बताना था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि रेगुलर अपडेट आप लोग के लिए आते रहती है। यहाँ पे आज के दिन टाटा स्टील, यूपीएल, इनफैक्ट टाटा पावर से लेके ONGC लेके GNFSC के भी शेयर्स की वीडियो अपलोडेड है, तो प्लीज गो एंड वॉच इट गाइस। Thank you. Have a nice day.